धनंजय मुंडे समाज कल्याण मंत्री उपविभागीय अधिकारी हिंगनघाट जिला वर्धा द्वारा निवेदन दिया गया। 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से दिव्यांग सेना ने काली पट्टी लगा के अपंग कायदा का जीआर तहसील कार्यालय में जला के निषेध किया। विश्व विकलांगता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 1984 के बाद से पूरे विश्व में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस है। चूंकि सरकारी कर्मचारी विकलांग सुविधा को लागू नहीं करते हैं, विकलांगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसके बावजूद प्रशासन दिव्यांग की योजना की अनदेखी कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अधिकारी विकलांगों को न्याय देने के बजाय उनके साथ अन्याय करते नजर आते हैं। आज महाराष्ट्र के प्रगतिशील राज्य में दिव्यांग समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व वाली दिव्यांग सेना इन सोते हुए सरकारी अधिकारियों को जगाने के लिए 3 दिसंबर को एक दिवस के रूप में मनाने के बजाय काला दिवस मनाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मारुति महाकाल कर जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण दिव्यांग सेना और अपंग बांधव इस वक्त उपस्थित थे। हिंगनघाट से रवि नौरकर की रिपोर्ट, NBC न्यूज नागपुर। शासनाकडे अर्ज करूनही शासनाकडे अपंगाचे अर्ज धूळ खात आहे। विचारणा केल्यावर ते टाळटायचे उत्तर देत आहे। जिल्हा अधिकाऱ्याने याला वारंवार पत्र सुद्धा दिले तरी त्या पत्राचे त्याच्या पत्राला हे केळ्याची टोपली दाखवतात। वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांना याला पत्र दिलं SDO साहेबांना तरी ते कोणत्याच प्रकारची कारवाई करत नाही। दिव्यांगाला न्याय कशा पद्धतीने मिळणार? आज आम्ही या शासन निर्णयाचा निषेध करून आणि याला जाळणार आहे। काय दिवस साजरा करणार आहे? अपंग दिवस आहे, त्यानिमित्त आम्ही शासनाच्या विरोध म्हणून निषेध दिवस पाळत आहोत। क्योंकि शासन विभाग निर्णय शासन निर्णय करते कायदे कानून म्हणते त्याची अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे आज हा दिन साजरा करण्यापेक्षा आम्ही निषेध आणि काळा दिवस म्हणून आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दिव्यांग असेल हे जाहीर आजचा निषेध करत आहे। संजय गांधी निराधार योजना, पेन्शन, अंत्योदय, अपंग कल्याण निधी 5% याची काटेपूर्वक अंमल होत नसल्यामुळे आम्ही शासनाचे अधिकारी कर्मचारी वर्ग हे पूर्ण जिल्ह्यातले पूर्ण महाराष्ट्रातले तालुक्यापासून तर मंत्रालयापर्यंत